मस्जिद तो बना दी शब भर में, ए माँ की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। नाज़रीन, मैं बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये मस्जिद आपको दिखा रहा हूँ। मेरा गुज़र हुआ, मैंने नमाज़ यहाँ पढ़नी थी, जब इस मस्जिद को मैंने देखा, अल्लाह का खौफ आया, अल्लाह से डर आया। ऐसी मस्जिद इतनी खूबसूरत बनी, लेकिन इसकी हिफाजत ना होने की वजह से इसकी हालत देखें। इस मस्जिद में पता नहीं कितनी देर से कोई आया ही नहीं। सबसे पहले तो इसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा था मेरे से। जब दरवाज़ा खुला, मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा गंदगी से भरा हुआ, मकड़ी के जाले, और उसके बाद जो ये होते हैं चूहे, उनका गंद। आपको मैं सब कुछ बार बार दिखा रहा हूँ। ये मिंबर देख लें, ये मिंबर के ऊपर मिट्टी, ये मिंबर के साथ ये देखें मिट्टी की लाइनें पड़ी हुई हैं। अल्लाह से डर आ रहा था। हम पक्के नमाजी हमें बनना चाहिए। हम मस्जिदें पक्की बनाते हैं, पक्के नमाजी नहीं बनते। ये कुरान मजीद देखें आप, ये जाले देखें आप, ये देखें। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह अकबर। ये देखें मस्जिद की ये विंडो टूटी हुई है, ये दरवाज़े के साथ देखें आप, ये मस्जिद का सेहन। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह से डर आना चाहिए हमें। ये सेहन है मस्जिद का, ये हाल हुआ पड़ा है। ये वज़ू की जगह आप देख लें, ये वज़ू की जगह है, ये टूटियाँ टूटी हुई, ये देखें। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, ये देखें मट्टी, ये मकड़ियों ने और अपने घर बनाए हुए हैं, ये जाले और पता नहीं क्या क्या हुआ पड़ा है। ये मस्जिद का सेहन है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम पक्के नमाजी बने, ना कि पक्की मस्जिदें बनाए और फिर उनकी हिफाजत ना करके अल्लाह से हम गुनाह खरीदें।